हेलो एवरीवन, कैसा है आप लोग। तो देखिए, इंडिया सीक्स प्राइवेट मनी फॉर कोल फायर्ड पावर प्लांट्स डिस्पाइट वेस्टर्न अपोजिशंस। क्या है, चलिए देखते हैं। इंडिया ऑन ट्यूसडे आस्क प्राइवेट फर्म्स टू रैंप अप इन्वेस्टमेंट इन न्यू कोल फायर्ड पावर प्लांट्स टू मीट अ ड्रामेटिक राइज इन इलेक्ट्रिसिटी डिमांड एंड ब्रिज ऑलमोस्ट 30 GW ऑफ एडिशनल रिक्वायरमेंट बाय 2030 डिस्पाइट इंटरनेशनल प्रेशर टू स्टॉप बिल्डिंग सच फैसिलिटीज़। तो इंडिया इंटरनेशनल प्रेशर भाई कभी इंडिया अपने ऊपर लेता नहीं है, वही हिसाब है, मेरी मर्जी, जो मेरा मन करेगा मैं वही करूँगा। इंडियाज़ पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर आर के सिंह इन न्यू दिल्ली आस्क प्राइवेट कंपनीज टू इन्वेस्ट इन कोल प्रोजेक्ट्स एंड नॉट मिस द ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। अकॉर्डिंग टू दी थ्री सोर्सेस प्रेजेंट इन द मीटिंग, द गवर्नमेंट मीटिंग विथ इन्वेस्टर्स कम वीक्स बिफोर द यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस एट विच फ्रांस बैक्ड बाय द यूएस प्लान्स टू सीक अ हॉल्ट टू प्राइवेट फाइनेंसिंग फॉर कोल बेस्ड पावर प्लांट्स अकॉर्डिंग टू द रियूटर्स रिपोर्ट। तो वहाँ पे बात होगी कैसे प्राइवेट फाइनेंसिंग को रोका जाए, इसीलिए उसके पहले ही हम लोग कर रहे हैं। द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट शेयर इन द इंडियन पावर सेक्टर स्टार्टेड ड्विंडलिंग आफ्टर 2018 व्हेन इट वाज मोर देन और एट पार विथ गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। करंटली इट स्टैंड्स एट 36% ऑफ द कंट्रीज टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। मोस्ट ऑफ द कोल बेस्ड कैपेसिटी अंडर डेवलपमेंट इज बींग सेटअप बाई स्टेट ओन्ड कंपनीज विथ अडानी पावर एंड JSW एनर्जी एंड ओनली प्राइवेट फर्म्स बिल्डिंग सच प्लांट्स। Many private players stopped building new coal-based plants in India over a decade ago due to lack of financing in the absence of long-term power supply bid from consumer. In recent years, however, energy demand has outpaced expectations in India, the world's most populous country, as economy activity picked up. Since August, the South Asian nation's energy demand rose 18% to 20% year-on-year. The government expects it to rise by at least 6% annually till end of this decade. During the meeting, Mr. Singh said new estimates see peak power demand reaching 335 gigawatts by 2030 versus the present 240 gigawatts, according to the three sources. Private power firms were told that the majority of peak hour electricity demand could be met by coal-based power station. अब चलिए देखते हैं इस आर्टिकल में कितनी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए। सबसे पहली बात, ऑलमोस्ट 30 GW ऑफ एडिशनल रिक्वायरमेंट बाय 2030, ये चीज़ हमें जाना है 30 GW। ठीक, इंडिया इंटरनेशनल प्रेशर का, गवर्नमेंट ने क्या बोला है, दोनों मिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ये क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस होने वाला है उसके एक हफ्ते पहले, जहाँ पे प्राइवेट फाइनेंसिंग फॉर कोल बेस्ड पावर प्लांट्स को रोकने की बात होगी, सीक अ हॉल्ट। ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टर शेयर इन इंडियन पावर ये 2018 से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे 6% ऑफ द कंट्री टोटल कैपेसिटी, तो 36% आपका इन्वेस्टमेंट से है। अडानी पावर और JSW एनर्जी, ये दो है मेन, इसमें शेयर कर दो भाई, शेयर कर दो, चलो शेयर कर दो, अमीर बनना है तो। उसके बाद से डेकेड अगो फाइनेंसिंग एब्सेंस ड्यू टू लॉन्ग टर्म पावर सप्लाई बिड्स जो है पहले नहीं होता था, इसलिए फाइनेंसिंग नहीं होती थी, लैक ऑफ फाइनेंसिंग थी इसके वजह से। उसके बाद से डिमांड एक्सपेक्टेशन, वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री पता है हमें, द साउथ एशियन नेशन एनर्जी डिमांड रोज 18% टू 20% ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो 18 से 20 तो साउथ एशियन नेशंस के डिमांड बढ़े हैं। ठीक है, एटलीस्ट 6% एनुअली टिल द एंड ऑफ दिस डेकेड, ये और राइज होने वाला है इतना 6%। पावर डिमांड क्या है, 335 GW करेंगे 2030 तक, अभी क्या है 240 GW है, तो 60 उधर 35 उधर, आप देखिए 95 GW लगभग लगभग हम लोग 95 GW हम लोग को बढ़ाना है। मेजॉरिटी पीक आवर जो है इलेक्ट्रिसिटी का, जैसे लोगों को चाहिए रहता है शाम को ऑफिस में, रात में घर में, एसी सब लोग चला रहे हैं, वो जो पीक आवर्स रहता है वो आपका कोल बेस्ड पावर स्टेशन से ही फुलफिल होगा। तो इतना ही था इसमें, थैंक यू गाइस, प्लीज वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।